आप ये मान लें कि 1 जुलाई से जीएसटी आ रहा है, क्योंकि काफी व्यापारी ये पूछते हैं कि ये 1 जुलाई से आएगा या 1 सितंबर से आएगा। मैं कहता हूँ कि अगर 1 सितंबर को भी आ जाता है तो 2 महीने और बीत तक कितना समय लगेगा। जो तैयारी मुझे आज 15 या 20 दिन में करनी है 1 जुलाई तक, वही तैयारी मुझे आगे 2 महीने में करनी है। और व्यापारी का तो रूल है कि जब आखिरी डेट आ जाएगी उससे पहले हम तैयारी करेंगे। हमें कौन सा सॉफ्टवेयर खरीदना है, आज हम टैली में काम करते हैं या किस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, उसकी तैयारी करनी है। अपने अकाउंटेंट को या अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को हमें तैयार करना है कि भाई 1 तारीख से मुझे कौन सा इनवॉइस जारी करना है। तो एक एक करके मुद्दे हल करता हूँ। उसके बीच में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इमीडिएटली मेरे से पूछें, हम एक एक मुद्दा करके आगे बढ़ाते हैं। और आपके सारे मुद्दे आज जो भी जीएसटी से रिलेटेड ये काम या भविष्य के मुद्दे होते हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप में से अधिकतर लोग या तो ट्रेडर्स हैं या मैन्युफैक्चरर हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं। मैं एक बहुत बड़े जो एक जिसको हम कहते हैं कि बड़े किस्म का व्यापारी होता है, जिसकी मिले हैं फैक्ट्रियाँ हैं, हम उसकी बातें यहाँ पे करेंगे तो समय उतना नहीं है। हम छोटे छोटे मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं कि 30 जून को जो मेरे पास स्टॉक है, क्या वो मुझे कम करना है या ज़्यादा करना है या बेचना है या क्या करना है, क्या उसके मुझे क्रेडिट्स कैसे मिलेंगे, उसके लिए मुझे क्या करना है। देखिए, 2 प्रकार के हमारे पास स्टॉक होते हैं, एक पक्के का स्टॉक और एक कच्चे का स्टॉक। ठीक है, तो जो कच्चे का स्टॉक है वो तो आपका अपना स्टॉक है, उसे आप बेचो या मत बेचो, इट इज़ योर चॉइस। उसको 30 जून से पहले बेचो या बाद में बेचो, जो माल जिस रास्ते से आया उसी रास्ते का लेंगे। आपकी जो पक्के की परचेजिंग है उसका मिलान होता है आपकी पक्के की सेल से। तो अब हम इस स्टॉक की बात करते हैं जो पक्के का है। तो पक्के के स्टॉक में आपके पास 2 तरह के इनवॉइस हो सकते हैं। एक इनवॉइस वो जिसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज पेड है और वैट पेड है, बिल के ऊपर लिखा हुआ आपने डायरेक्ट माल मैन्युफैक्चरर से खरीदा है, तो जो भी उसके अंदर सेंट्रल एक्साइज लिखी हुई है और वैट लिखा हुआ है उसका आपको पूरा क्रेडिट मिल जाएगा। जो वैट पोर्शन है उसका क्रेडिट मिलेगा जो भी आप 30 जून की रिटर्न फाइल करेंगे वैट फॉर्म 1600 दिल्ली वैट, उसमें आप अपना क्लेम ले चुके होंगे, क्योंकि जब भी आप परचेजेस करते हो उसी वक्त आप क्रेडिट ले लेते हो। वो क्रेडिट या तो कैरी फॉरवर्ड होता है या हमारा रिफंड के द्वारा पेंडिंग हो जाता है डिमांड पर। तो ज़्यादातर व्यापारियों का जो क्रेडिट है वो कैरी फॉरवर्ड होता है, वो आपका ऑटोमेटिकली जीएसटी में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। शर्त सिर्फ ये है कि अगर आप सी फॉर्म या किसी भी प्रकार के सेंट्रल स्टेचुटरी फॉर्म के अगेंस्ट सेल करते हो तो वो फॉर्म भी आपको 90 डेज में ही गवर्नमेंट को जमा कराने होंगे। अगर आप वो फॉर्म जमा नहीं करा पाते हो तो उसका फिर आपको